न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। आज 13 दिसंबर 2023 लेकिन 13 दिसंबर 2001 को आज का दिन याद दिला रहा है। वो क्यों? क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और लोकसभा की कार्रवाई में बड़ी चूक नजर आई है। देखते ही देखते एक शख्स जो है वो दर्शक दीर्घा से कूद कर असेंबली के अंदर आ गया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। डर कहीं ना कहीं हरीश जी दिखा था, सांसद जो है वो डर के मारे पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगे थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इतने सालों बाद भी नई संसद के अंदर ये कार्रवाई हो रही थी, उसके बावजूद भी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये क्या किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल काजोल, इसको अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से बोला कि तानाशाही नहीं चलेगी और हमारा अधिकारों का हरण हो रहा है, तो ये इसको हम कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखते हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चुनाव किया और जिस तरह से वो चेहरे जो थे जो कोई नहीं जानता था, बैक बेंचर्स को उठा के मुख्यमंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं वो रोष पार्टी के अंदर भी नजर आ रहा था। तो ये एक अहम बात हो सकती है जो कल के राजस्थान का चुनाव को, राजस्थान में मुख्यमंत्री को घोषणा को लेकर हो सकता है, जिसमें सभी लोग एक तरह से नाराजगी थी, सन्नाटा छा गया था जिस प्रकार से, जब विधायक एक साथ थे कमेटी के अंदर, पूरा सन्नाटा था जिस तरह से भजन लाल शर्मा जी का नाम वहां पर घोषणा हुई। अब भजन लाल शर्मा जी को बिल्कुल दिखाया गया कि बिल्कुल बैक बेंचर्स, और सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा का अस्तित्व भी खास नहीं है, पहली बारी के विधायक। अगर दूसरी बात ये देखी जाए तो एक प्रकार से उन्होंने निर्दलीय भी बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और उनकी अहम भूमिका अभी तक कहीं नहीं देखी गई है। ये कहा जा रहा है कि उनका संघ से भी संघ से गहरा नाता रहा है और इस प्रकार से उन्होंने एक बैक बेंचर्स को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, तो सीनियोरिटी को कहीं ना कहीं पे एक तरह से नजरअंदाज किया गया। तो राजस्थान से भी बात उठ के आ रही है, इसी तरह से मध्य प्रदेश से भी बात उठ के आई थी कि जिस तरह से चार बारी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को नजरअंदाज किया गया, उनकी सीनियोरिटी को एक तरह से कहा, विपक्ष में तो ये तक कहना है कि कहीं ना कहीं उनको अब बोला गया कि भैया योर रिटायरमेंट टाइम इज ऑन, तो उनका रिटायरमेंट टाइम को एक तरह से घोषणा कर दी गई है कि रिटायरमेंट टाइम आ गया उनका। पर ये कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, पार्टी के जितने भी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनके अंदर भी ये रोष था। और आज 13 दिसंबर, जहां 13 दिसंबर में 2001 में जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ था, हमला हुआ था और हमारे कई उसमें नौ सुरक्षाकर्मी जिसमें मारे गए थे, जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए, उस टाइम पे इतनी बड़ी चूक हुई थी, क्या ये वही चूक आज भी है? आज भी हम वो वक्त को भूल गए? आज 13 दिसंबर का दिन हम संसद पर दोबारा से एक हमला ही मानेंगे एक प्रकार का? तो क्या जानबूझकर ये माहौल बनाने की कोशिश की गई है? जिसने भी ये किया गया है जानबूझकर एक दहशत फैलाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, ये दहशत ही है, ये दहशत ही है। और जिस तरह से, मतलब किस तरह की सुरक्षा थी कि वो अपने जूतों के अंदर कुछ छुपा के ले गए, तो सुरक्षा किस प्रकार की थी कि जूतों के अंदर कुछ भी छुपा के ले जाया जा सकता है? अगर वो केमिकल था या कुछ भी था, किसी सांसद के ऊपर हमला हो सकता था किसी भी प्रकार का, तो जब हमारे सांसद अगर आज सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षा की बात कैसे? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। नई संसद के अंदर सदन लगा हुआ था, लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, वहां पर इतनी बड़ी चूक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम 2001 भूले नहीं है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के जो आतंकी हैं वो व्हाइट कलर के एम्बेसडर में आते हैं, सुरक्षा कर्मियों के भेस में आते हैं, ताबड़तोड़ के 47 से हमले कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गनीमत यह थी कि किसी भी नेता की जान नहीं गई, वरना बहुत बड़ा बवाल देश में हो सकता था। लेकिन इतने सालों बाद भी आज हम वहीं खड़े हैं जहां हम बात करते हैं सुरक्षा की, वहां हमारी संसद ही सेफ नहीं है, कोई भी वहां आकर किसी भी तरह का हंगामा मचा रहा है, वाकई ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देखिए काजोल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप इसको ध्यान से अगर पीछे जाएं आप, तो अंग्रेजों के जमाने में चले जाएं, तो अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ये किया था, इस तरह के बम फोड़े थे और कान खोलो अंग्रेजों के लिए कहा गया था और हमारे कहीं ना कहीं अधिकारों का हरण हो रहा है, इस तरह की बातें उस टाइम पे हुई थी। वही तर्ज पे आज इस तरह से काम हुआ है। उनका मकसद जिस तरह से भगत सिंह का, उनका मकसद था कि किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना, वही इन्होंने आज दिखाया है। तो क्या वाकई देश के अंदर तानाशाही है?
ये तानाशाही का माहौल बन चुका है, इस तरह की चर्चा रकल से तानाशाह ट्रेंड भी कर रहा है काफी, तो ये कहीं ना कहीं पे सवाल छोड़ के जा रहा है कि क्या आज देश के अंदर तानाशाही हो चुकी है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कोई सीनियोरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जहां अपने ही पार्टी का, सबसे बड़ी बात बता दूं, ये जो गेस्ट हैं ये बीजेपी के ही एमपी के गेस्ट थे, बिल्कुल। तो कहां से, अगर ये कांग्रेस के होते तो सोचो माहौल कुछ और होता। आज बीजेपी के ही गेस्ट हैं और बीजेपी के गेस्ट द्वारा ये हरकत की गई है, तो सोचिए कि क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, किसको तोड़ो और किसको जोड़ो की राजनीति चल रही है, या किस प्रकार से विपक्ष भी इसको अब घेरे में लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और विपक्ष के पास बहुत बड़ा मुद्दा ये कहें कि आ चुका है 2024 से पहले, जहां 2024 में लोकसभा चुनाव होने, उससे पहले इस तरह का हंगामा हो जाना सदन के अंदर, ये कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्दी से बता देते हैं कि दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास थे, इसके अलावा बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर ये विजिटर पास थे, और बीजेपी सांसद है, आपने भी जिक्र किया, कांग्रेस यहां होता तो फिर माहौल कुछ और होता देश में। इस वक्त दो लोग गैलरी से कूदे हैं, उनके द्वारा एक कुछ फेंका गया जिससे गैस निकल रही थी। देखिए, ये तो सिर्फ एक ये जताने की कोशिश थी कि हमारी आवाज को सुनो, आप नहीं सुन रहे तो हम इस तरीके का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन अगर इसका फायदा कोई दुश्मन उठा ले तो फिर देश में एक बार फिर से वो डर, वो दहशत हो सकती है, जो इतने सालों से धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए लोकसभा के अंदर ये हुआ है, लोकसभा के दो अंदर थे और दो बाहर थे, दो बाहर और अंदर दोनों तरह से तैयारी थी, और इस तरह की आवाज उठाने की कोशिश हुई है। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से लोकतंत्र पर, मतलब एक बोलेंगे लोकतंत्र पर हमला हुआ है, और ये इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। ये इस तरह का अगर कहीं तानाशाही हो रही है, नजरअंदाजी हो रही है, या वाकई ही किसी की बात को सुना नहीं जा रहा है, और जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है हरीश जी, इनका जो कनेक्शन है, जो भी है, चाहे वो सागर हो जो प्रदर्शनकारी है, चाहे वो अनमोल शिंदे हो, चाहे वो नीलम हो, इनका नाता महाराष्ट्र से है, कहीं ये जो आरक्षण की बात महाराष्ट्र में लगातार उठ रही है उसको लेकर, तो खैर अभी तो जांच का विषय है, जो भी होगा वो निकलकर सामने आएगा, लेकिन कनेक्शन जरूर जुड़ रहे हैं। अभी आईबी की जो टीम है वो आरोपियों से पूछताछ कर रही है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे अपने जूतों में जो भी वो गैस बॉम्ब था या कलर बॉम्ब था, जो भी था, वो कैसे लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, जब स्टूडेंट्स भी अगर पार्लियामेंट के अंदर उन्हें लेकर जाते हैं किसी भी कोई भी शो देखने के लिए, कोई भी कार्रवाई कैसे समझाई जाती है वो दिखाने के लिए, तब भी स्टूडेंट्स को भी पूरा चेक किया जाता है, और वहाँ पर बिल्कुल आप पिन ड्रॉप साइलेंस के तौर पर बैठकर देखेंगे, वहाँ पर एक दर्शक दीर्घा से शख्स कूद जाता है। बिल्कुल काजोल, मेरे को, मैं समझता हूँ कि शायद आपने इस चीज को देखा भी है वहाँ पर, आपने अपने कॉलेज टाइम पे जब आपको कॉलेज लेके गया, तो थोड़ा सा अपना अनुभव अपना और बता दें किस प्रकार से वहाँ पर सुरक्षा को लेके। देखिए, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो जब हम इसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें भेजा जाता है कि आप देखिए, तब तो राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग थे, लेकिन अब तो एक ही हो गए हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि कार्रवाई कैसे होती है। हम गए, हमें हमारी पूरी चेकिंग की गई, गर्ल्स की अलग, बॉयज़ की अलग, उसके बाद हमें बिठा दिया गया, दर्शक की लाइन पूरी अलग होती है, जो विजिटर्स होते हैं वहाँ पर बैठे, लेकिन आप हिलडुल नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, पिन ड्रॉप साइलेंस, और हम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठे रहे, तो वहां से कूद, और सिक्योरिटी हमारे आसपास खड़ी थी, और अब तो देखिए नई संसद है, अब तो सिक्योरिटी पर और ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा होना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये आश्चर्यजनक है कि इतनी बड़ी बात संसद के अंदर हो गई है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि अपना अनुभव बताया कि किस तरह से सिक्योरिटी चेक होता है, सारी चीजें होती है, क्या आज सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, सिक्योरिटी में जानबूझ के ढील दी गई, ये सब प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जानकर ये कोई लोग अंदर भेजे गए तो किसके कहने पे ऐसा हुआ, कैसे हुआ, किसकी गेस्ट लिस्ट में वो ऐड हुए, ये तो सब सामने आ ही गया है। पर आज मैं फिर कह दूं कि संसद में हमला मतलब देश पे हमले के बराबर माना जाता है। देश का अगर सांसद सुरक्षित नहीं है तो देश का नागरिक भी सुरक्षित नहीं माना जाता। और 13 दिसंबर आज ही का दिन चुना गया, तो एक पीछे बहुत बड़ी वजह बहुत बड़ा मैसेज इसके अंदर बिल्कुल क्लियर है कि बहुत कि आज भी तानाशाही को लेकर बात हुई है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर बहुत चर्चाएं हैं इस प्रकार की, विपक्ष में भी और पक्ष में भी, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जिस तरह से घोषणाएं हुई है, जिनका नाम कोई नहीं जानता था, वो मुख्यमंत्री के पद में सीनियरिटी वाइज भी नहीं है, और सीनियर्स को एक दरकिनार कर दिया गया, किसी को विधायकी का इलेक्शन लड़ा के सांसद ही खत्म करी गई,
और बहुत तरह के प्रश्न इस टाइम पे घूम रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक डर का माहौल है कि कब किसकी सांसदी छीन के उसे विधायक लड़ाया जाए और विधायक के बाद उसे घर बैठा दिया जाए, ये तक चर्चाओं में है। तो आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी जगह ये चर्चा बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों को रबर स्टैम्प की तरह भी देखा जा रहा है। आपको बता दें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और भाजपा गठबंधन की जहां पर सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, इन सभी जगह में से एक जगह एक ऐसी है, या दो जगह बोल सकते हैं, एक आपकी उत्तर प्रदेश और एक आपकी असम। हेमंत विश्व, दो लोग अभी तक, हेमंत एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं वो कृपा से हैं और योगी आदित्यनाथ पे अंकुश नहीं लग पा रहा, ऐसा ट्रेंड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ऊपर भी इस तरह का रबर स्टैंप वाली बात हो रही है। विपक्ष भी इस बात को अरे जी उठाने लगा है कि योगी आदित्यनाथ को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाए और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वाकई पसंद कर रहे हैं यूपी की जनता, बिल्कुल उनको पसंद कर रहे हैं। मगर ये जिस तरह से ये तानाशाही की लिस्ट जो मैंने पढ़ी, ये लोगों का कहना है कि ये तानाशाही की लिस्ट है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार दिल्ली से ही चल रही है, ये सबके सब रबर स्टैंप है। तो सोचिए कि देश के अंदर 11 राज्यों में आपके खिलाफ इस तरह की बातें अगर चल रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो विपक्ष सही कह रहा होगा, कहीं तो कार्यकर्ता नाराज होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। आज बहुत सारी चीजें इसमें हरीश जी हो सकती है, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना, सीनियोरिटी जूनियोरिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो भी एक मैटर हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे हर प्रदेश में किसी ना किसी चीज को लेकर कोई ना कोई आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसके बाद मणिपुर हुआ और तब विपक्ष की नहीं सुनी गई, तो कहीं ना कहीं लोगों में अब वो गुस्सा है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो इस तरह की लोग हरकतें अपनाएंगे जो कि देश के लिए सही नहीं है और एक गलत मैसेज जो है वो दुश्मन देशों के पास भी जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा मैसेज दुश्मन देशों के पास गया है। मुझे लगता है आज का दिन 13 दिसंबर का दिन चुनना, अपने आप में ही दोबारा से ये संकेत देना है कि आप आज भी सुरक्षित नहीं हो। आप नई संसद भवन में बैठो या पुराने में बैठो, आप कहीं पे भी सुरक्षित नहीं हो। अगर आप सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं, ये सवाल पूरे हिंदुस्तान में आज घूम रहा है, पूरे देश दुनिया के अंदर ये सवाल उठ चुका है कि किस तरह से दोबारा से संसद भवन के अंदर इस तरह की हरकत हो जाना, पिछली बार आतंकवादी घटना हो जाना, आज इस तरह के ही लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, खुद के देश के लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो अभी हमें सरकार को सोचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। आप पर लोग विश्वास कर रहे हैं, इतना बड़ा जनादेश दे रहे हैं तो आपको अब सुनना पड़ेगा, वरना इस तरह की अगर हरकतें होंगी तो विश्वास जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा लोगों में। जो आप ये तेजस उड़ाकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सशक्त हैं, अगर इस तरह की हरकतें होंगी, इस तरह की तस्वीर नजर आएगी तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, हमारा जो सबसे बड़ा मुखिया बैठा है, वो है हमारे साथ खड़े होने के लिए, सशक्त करने के लिए। बिल्कुल, आज जिस तरह से मैंने बोला कि आज पूरा टाइम को एक बार से रिवर्स किया गया है, अंग्रेजों के टाइम को याद किया गया जहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बात होती थी, उसी तर्ज पर आज ये हमला हुआ है, उसी तर्ज पर, उसी तरीके से और वही शब्दों के साथ ये हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश खतरे में है, ये बात बिल्कुल सत्य है और सरकार पर ये उंगली उठनी लाजमी भी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मामले पर गंभीरता से जांच हो, हालांकि जांच हो रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये जांच का विषय है। और आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो हुआ आज क्या ये सही था, अगर आप सही भी हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, क्या ये तरीका सही है। और सरकार पर भी कमेंट जरूर करिएगा कि सरकार क्या वाकई तानाशाही रवैया अपना चुकी है।